الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون واحترم حضرات خواتيم इससे पहले कि हम आज की इस मजलिस का आगाज़ करें सब की खिदमत में फितर की मुबारकबादी में पेश करता हूँ तकबल अल्लाह मुन्ना व मिन कुम आमाल अल्लाह ताला मेरे और आपके नेक नेकमाल को अल्लाह तबूल फरमाएँ अकबर, अल्लाह अकबर

ईद उफ़ितर की नमाज़ हम पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह तो आज की इस मजलिस में 25 मिनट के वक्त में कल की बात हम मुकम्मल करेंगे उसके बाद जो वक्त हमारे साथ बाकी रहता है वो ईद के आदाब ईद के मसाइल हम सुनेंगे और ईद के बाद हमारी ज़िंदगी कैसे होगी इसलिए कि रमज़ान एक मदरसा था जिसने हमें बहुत सारी बहुत सारे इसबाक सिखलाए हैं उन इसबाक को हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाना है तब जाकर अल्लाह तबारक व ताली की ये जन्नत मुझे और आपको मिल सकती है जिस जन्नत की बात हम सुन रहे हैं कल के रस में बहुत सारी बातें हमने सुनी कि जन्नत में क्या क्या चीज़ें हैं जन्नत की मिट्टी का ज़िक्र किया गया कि जन्नत की मिट्टी कैसे होती है और जन्नत में अल्लाह तबारक व ताली ने नहरें रखी हैं उसके ताल्लुक से अल्लाह तबारक वाली ने कहा वाल जन्नतार अल्लाह तबारक जन्नत में नहरें रखी हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चार नहरें अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम को बतलाई गईं और अल्लाह के वसल्लम ने उन नहरों की तफसील भी बताई ये जन्नत की नहरें हैं जो अल्लाह तबारक वाली ने जन्नत में पैदा की हैं बनाई हैं इसके अलावा जन्नत में चश्मे भी हैं फाउंटेन जिसे हम कहते हैं अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें आपके लिए बनाई हैं जब आप दुनिया में नेक अमल करके अल्लाह तबारक वाली के पास जाएंगे तो अल्लाह तबारक व के पास ये सजी सजाई जन्नत आपको मिलेगी इन मुझे मिलेगी अल्लाह तबारक ते भी कहातकी जन्नत मुत्तकी लोग जन्नतों में और चश्मों में होंगे चश्मे फाउंटेन है और कहा कि अल्लाह तबारक तआला ने जो चश्मे वहाँ बहाए हैं उसके अलग अलग नाम भी कुरान में कहे हैं कि वहाँ एक कापूर काफूर का चश्मा है अल्लाह कहा इन अल अबरा र यशराबून मिन कासिन काना मिजाजूहा काफूरा عینन यशرب بها इबादुल्लाह يفजिरونها तफजीरा तो एक फाउंटेन जिसका नाम काफूर रखा गया है और दूसरा एक चश्मा अल्लाह तबाराक व तआला ने जन्नत में बनाया है जो तस्नीम है व मिजाजू मिन तस्नीम उसका एक नाम अल्लाह ने कुरान में बयान किया इन अल लफी नईम

और जन्नत में बहुत सारे बंगले हैं खेमे हैं जो अल्लाह तबारक व ताली ने मोमिनों के लिए बनाए हैं और कुरान मजीद के आयतों में और हादीस में उसकी तफसील बयान कर दी गई अल्लाह के नबी वसल्लम ने एक मरतबा ज़िक्र किया इन नन्नति गोरफ़ैन जन्नत में ऐसे महले हैं ऐसे महलात हैं जिसका अंदर का हिस्सा बाहर से बाहर का हिस्सा अंदर से दिखता है इतना साफ़ और शफाफ है तो एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लम ये अल्लाह ताला किसको देंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दाह तबारक व तआला अद्दाह तबारक व तआला लिमन अतअम अतआम अल्लाह तबारक व तआला ये बंगले जन्नत के उन लोगों को देंगे जिन्होंने गरीबों और मिसकिनों को खाना खिलाया है वा और उसको भी जो नरम बात करे जिसके बात करने के अंदाज में सख्ती न हो शकावत ना हो जफावत ना हो बल्कि मीठी मीठी बोल बोले उसको भी ये जन्नत के महल्लात मिलेंगे वताब अस्याम और रोजा भी रखे तो तसलसल के साथ रखे ऐसा नहीं कि रमज़ान गया तो हमने रोजे को लपेट दिया बोला फिर रमजान में देखेंगे ऐसी बात नहीं है अभी शवाल के छः रोजे आ रहे हैं और हर महीने के अया में भी हैं तीन रोजे हैं और अल्लाह के रसूल रसुलसम पीर और जुमेरा के रोजे रखते थे दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला तौफी आपको भी दे मुझे भी दे और रात को नमाज जिसने पढ़ा जब लोग सो रहे हों तो एक बात मैं बता दूं दू के ईद की जो रात होती है मतलब कल ईद है तो आज रात है तो इसकी फजीलत में बहुत सारी हदीसें लोगों ने बयान की हैं लेकिन सारी सारी हदीसें हदीतेफ हैं वीक हैं उसकी कोई दलील नहीं है लेकिन रात में आदमी क़ियाम कर सकता है हर रात में तहज्जुद पढ़ सकता है इसमें कोई ये नहीं है अल्लाह ताला इसका तोाव उसे देगा लेकिन उसकी फजीलत के तौर पर जो हदीसें बयान की जाती हैं वो ज़ईफ हैं उसकी कोई हकीकत नहीं है इसी तरह आगे चलकर हम चलते हैं कि ये जन्नत के जो महलत अल्लाह तबारक व तारा बनाए हैं वहाँ कीमती बर्तन हैं जो उन जन्नतियों के लिए रखे गए हैं और एक सवाल हमारे साथ ही आता है कि जन्नत में क्या सुबह शाम का सिस्टम है जैसे दुनिया में है दुनिया में सुबह होती है शाम होती है लेकिन ने कहा लई सफिल जन्नत लई लुन व नहार जन्नत में ना दिन है ना रात है इसलिए कि ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं और रात और दिन कैसे पहचाने जाएंगे बेखा व वाखिल अबाप

एक नूर और रोशनी लिखने की आर्श से उसके जरिए से पहचानेंगे कि सुबह हो गई शाम हो गई लेकिन वहां जन्नत में रात और दिन का सिस्टम नहीं रहेगा उसके बाद एक बात बताई गई कि जन्न जन्नत में खुशबू है खुशबू आदमी को मिलती है अल्लाह के नबी वसल्लम फरमाया मनिद्न अल्लाह के नबी सा फरमाया कि जो शख्स किसी जिम्मी और माहिद द को खतर करे जन्नत की खुशबू उसे नहीं मिलेगी और जन्नत की खुशबू चालीस साल की मुसाफत के दूर तक सुनाई देती है जन्नत ऐसी चीज है जहां खुशबू ऐसी उमदा खुशबू मोमिनों को लगेगी और साथ साथ जन्नत जन्नत में बहुत सारे दरख्त हैं वहां के बहुत सारे मेवे हैं अल्लाह तबारक वाले ने फरमाया हद वफ़ी कहा कि जन्नत ऐसे है जहाँ बागात हैं ख खजूर के दरख्त हैं अंगूर के दरख्त हैं और अनार के दरख्त हैं और फिर अल्लाह तबारक व ने कहा कि बेरी के दरख्त हैं और बड़े बड़े दरख्त जन्नत में हैं अल्लाह तबारक व ने ये दरख्त वहाँ बनाए हैं जन्नत में ताकि मोमिन उन दरख्तों के नीचे आराम करें और फिर उन दरख्तों के बारे में ये भी बताया गया कि वहां जो दरख्त हैं इतने बड़े बड़े दरख्त हैं जिनके बारे में कहा कि एक एक दरख्त इतना बड़ा है यूफी गिल अगर चलने वाला घुड़सवार सौ साल भी उस दरख्त के नीचे चलेगा तो उसका सफर खत्म नहीं होगा कितना बड़ा दरख्त होगा क्या उस दरख्त होगा कहा कि इतने बड़े दरख्त वहां हैं और अल्लाह के नबी फरमाया फिल यसीरु राकिबुल जवाद यानी बड़ी तो तेज से घोड़ा चढ़ाने वाला एक सौ साल भी अगर चलेगा तो वो दरख्त का साया वो क्रॉस नहीं कर सकेगा इतना बड़ा दरख्त होगा जो अल्लाह तबारक ताल ने जन्नत में लगाया है और इसी तरह सिदरतुल मुंतहा ये एक दरख्त है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने क़ुरान मजीद में किया अल्लाह के नबी वसल्लम जब मैराज पर गए तो वहाँ तक सजव साथ आए वहाँ से रुक गए और इसी तरह एक दरख्त जन्नत में वो है जिसे कहा शज़रतु तूबा एक दरख्त है जहाँ से जन्नतियों के कपड़े वहाँ से निकाले जाते हैं बनाए जाते हैं जैसे हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा सवाल किया अखबर न अंतिया जन्ना अल्लाह के नबी सल्लम हमको बताइए कि जन्नत में मोमिन जो कपड़े पहनते हैं ये कपड़े क्या रेडीमेड पैदा पैदा करते हैं अल्लाह ताला या बुन, बन, बुनते हैं यानी उनकी उनकी बना बनाए जाते हैं तो वादा है कब आदल कौम साहबा में कुछ लोग थे हंसने लगे तो अल्लाह के रसूल से फरमाया कि मम्मून क्यों हंसते हो इसमें हंसने की कोई बात नहीं है उसको नहीं मालूम है इसलिए वो पूछ रहे हैं फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि नबीम फरमाया कह रहे भाई सवाल करने वाला कहा है और फिर उनसे कहा बल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि नबीम फरमाया कि जन्नत के मेवों के जो छिलके हैं उनसे जन्नतियों के लिबास बनाए जाएंगे सला तम्रा तीन मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि नबीम फरमाया तो ये जन्नत है जहां की न्यामतें हैं Allah ने यह आपके लिए तैयार किया है और इसकी बहुत सारी हदीसें आई हैं एक हदीस ये भी आई है कि जन्नत के जो दरख्त हैं जन्नत के फूल के जो दरख्त हैं उन दरख्तों में से सबसे ज्यादा जो सैयद है सरदार दरख्तों का जो सरदार है वो कौन है तो हदीस अब्दुल्ला बिन अमर ताला की इस हदीस में बताया गया सैद और जन्न जन्नत के फूलों के दरख्तों का जो सरदार है वो मेहंदी का दरख्त है और हदीत सही है तो ये जन्नत के दरख्त हैं जो अल्लाह तबारक तला ने बनाया अभी तो मेहंदी लगाने का मौसम है सारे लोग मेहंदी लगाते हैं और औरत अपने शोहर के लिए जितना चाहे समर सकती है उसकी इजाजत उसे है अल्लाह तबारक अल्लाह के नबी अल्लाह और ने उसे इजाजत दी है और इसी तरह एक और चीज इसके बारे में हम आपके सामने कहेंगे कि जन्नत में जितने दरख्त हैं उनके सारी जड़ें सोने की हैं अल्लाह अकबर जन्न इलाह इल्ला जन्नत में जितने दरख्त हैं उनकी जड़ें सोने की होती हैं दोस्तों अजीजों माँ और बहनों छोटे बच्चों क्या आपको ख्वाहिशी है? कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक बात बताई जाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर जाते हैं अकबर यह जहां की मिट्टी बड़ी पाक है तो यहां सलाम की बात उन्होंने कहा अय्युबलुग उम्मत हुवस सलाम सलाम पहुंचाने के बाद ये बात कही कहा कि जन्नत की मिट्टी ऐसी है जहां की जहां की मिट्टी पाक है जन्नत ऐसी है जिस जहां की मिट्टी पाक है और जहां का पानी बड़ा मीठा है जहां का पानी बड़ा मीठा है और जन्नत की जमीन बिल्कुल खाली खाली है और जैसे ही तुम सुबह अल्लाह इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहते हो तो फौरन वहां जन्नत में तुम्हारे नाम से एक दरख्त लगा दिया जाता है कहा कि जैसे ही तुम सुबहान अल्लाह वहमदुल्ला वाला वल्लाहु अकबर जैसे ही तुम अपनी जबान से पढ़ते हो तुम्हारे नाम से एक दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है कोशिश कीजिए सुबहान अल्लाह वहमदुल्ला वाला व्लाहु अकबर जितनी बार आप बोलेंगे मैं बोलूंगा इतने दरख्त मेरे और आपके नाम से लगा दिए जाएंगे अल्लाह अकबर अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी तोफीक दे और चलते हम साथ साथ ही बता दें कि जन्नत में जानवर भी हैं परिंदे भी हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कुछ जानवर हैं जिस परिंदे हैं जिनका गोश्त जन्नती खाएंगे और जानवर भी हैं जैसे अल्लाह के नबी वसल्लम कहते हैं अल्लाह के नबी वसल्लम के पास एक आदमी आए और ऊंट लेकर आए उस ऊंट के नाक में रस्सी थी अल्लाह के नबी नबीम से उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह ना सबी अय अल्लाह के रसूल रसुल ये ऊंट नहीं अल्लाह के लिए मैं खैरत कर रहा हूं सदके में दे रहा हूं मख्तूम जो नकील के साथ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कबिहा सबीना मख्मा अल्लाह तबारक तुम्हारी इस एक ऊंटनी के बदले में सेवन हंड्रेड ऊंटनिया तुमको जन्नत में देंगे अगर आज आप एक रुपया खर्च करते हैं तो अल्लाह तबारक कितना कितने रुपये तो आपको मुझे जन्नत में देंगे ऊंटनी के बदले ऊंटनी मिलती है तो पैसे के बदले पैसे क्यों नहीं मिलेगा सही मुस्लिम की हदीस है कहाी सा फरमाया कि जब उसने एक ऊंट अल्लाह के रास्ते में दिया तो कहा कि कल क़ियामत के दिन सेवन हंड्रेड ऊंट अल्लाह तुमको जन्नत में देंगे सही मुस्लिम की हदीस है अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए अल्लाह के रास्ते में गरीबों को दीजिए दीन के रास्ते में खर्च कीजिए अल्लाह तबारक तआला आपको जन्नत में बहुत ज्यादा देंगे ठीक है एक सवाल हमारे पास अब यह रह जाता है कि इस जन्नत में जाने के लिए मुझे और आपको क्या करना है हमने कुछ काम आपको शुरू में बताए हैं जन्नत में जाने के लिए सबसे पहली चीज ईमान है ईमान के बगैर तो कोई जन्नत में जाएगा नहीं और उसके साथ साथ अमल सारे है सिर्फ ईमान से एक तो काम नहीं चलेगा कि मैं मुसलमान मेरे दादा मुसलमान बाबा मुसलमान पक्के मुसलमान नहीं अमल जरूरी है अल्लाह ने जहां जहां अमल का जिक्र किया ईमान का जिक्र किया वहां अमल का जिक्र किया ये दोनों चीज़ें जरूरी हैं कुरान ने इसमें बड़ी बात कही तो कभी अल्लाह तला ने कहा ईमान के साथ इस्लाम का जिक्र किया या इबादी लाख तहजनून दीना भी आया तीना वकान मुस्लिम उद खुलजन् तुम व अजवा जुकुम तुहबरून तो मालूम यह होता है कि आदमी के लिए ईमान चाहिए अच्छा अमल चाहिए और सब्र चाहिए अल्लाह पर भरोसा चाहिए इस तकाम ईमान पर मजबूती चाहिए अभी रमजान का महीना आया है रमज़ान के महीने में हमारे जिस्मों में हमारे मिजाज में तो तखवे की आबियारी की जो हमको सिखाया अब उसे हमें अपनी जिंदगी भर अपनाने की कोशिश करनी है और इन लदीन अकालब्ल और बिल्कुल इस्तेमत की दौलत हासिल करनी है तब जाकर अल्लाह तबारक वाली ये जन्नत मुझे और आपको देंगे मालूम होता है कि जन्नत का रास्ता बड़ा मुश्किल है आसान तो है नहीं। जन्नत का रास्ता बड़ा मुश्किल है सही हदीस में अबू हरा तार की हदीस है बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है जिसमें कहा गया खुजी बेतु शहवा जन्नत अल्लाह तबारक ने जहन्नम को शहवतों से भर दिया है अपनी मर्जी में जो आए करो जहन्नम में जाओ वह चीबी जन्नत यानी जो चीजें तुम्हें नापसंद हैं अल्लाह ने सुबह सुबह उठकर फजर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया तबीयत पर गिरा गुजरता है और बड़ा मुश्किल होता है फिर भी आप पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक आपको जन्नत देते हैं जन्नत देते हैं आपके नस पर मुश्किल है लेकिन आपको जन्नत मिलती है तो ये बड़ी हदीसें हैं तो मालूम यह हुआ कि जन्नत हासिल करना आसान नहीं है उसके लिए आदमी को मेहनत करनी पड़ती है आदमी मेहनत करे और एक बात हम आपको बता दें कि इंसान के लिए अल्लाह ने दोनों जगह रखी हैं जन्नत में भी उसकी जगह रजहर है और जहन्नम में भी उसकी जगह रजर है और जब वो जन्नत में चला जाता है तो जहन्नम में जो लोग गए हैं उनकी जगह भी उसे मिल जाती है दोनों जगह उसे मिल जाते हैं और जहन्नम की जगह उसकी खत्म हो जाती है जिसका जिक्र अल्लाह तबारक ताल ने कुरान मजीद में किया है और इसी तरह कुछ बातें हमारे साथ हैं कि कुछ ऐसी बातें जो मैंने इसके इसे छोड़ दिया है कि मनी वक्त हमारे पास बड़ा कम है इन कभी हम तफसील से सुनते हैं कि कुछ मोमिनों की बच्चे हैं जो बचपन में इंतकाल हो जाते हैं ये कहाँ जाएंगे जन्नत में जाएंगे अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने कुरान पूछा गया के नबीलाम इमरातिन कोई भी औरत ऐसी तीन बच्चे इंतकाल हो जाते हैं तो उसके लिए जहन्नम से वो पर्दा बन जाते हैं जहन्नम से वो बच्चे पर्दा बन जाते हैं एक औरत ने अल्लाह के नबीलम से पूछा है अल्लाह के रसुल अगर दो बच्चे अगर किसी के इंतकाल कर जाए उसका क्या हुक्म है तो अल्लाह के नबीम फरमाया कि अगर दो बच्चे भी इंतकाल हो जाए तो वो भी उसके लिए जहन्नम की आड़ बन जाएंगे अगर बच्चे इंतकाल होते हैं तो सब्र करें अल्लाह तबारक से उसका बदला चाहे और जैसे कहा कि छोटे बच्चे आप किसी के गोद से निकल कर अगर वो इंतकाल कर जाते हैं तो वो कहां पहुंच जाते हैं का इन्ना लहु मुर्दे फिल चन्ना कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम का जब इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जन्नत में इसके लिए दूध पिलाने वाली है ये इब्राहिम अलैहि सलाम के मातह चले जाते हैं वहाँ वहाँ जन्नत में तो मोमिनों के बच्चे जो बचपन में इंतकाल होते हैं वो जन्नत में हैं और मुश्किन के बच्चे के ताल्लुक से कहा कि वो अल्लाह तबारक व तआला की मशीत के तहत हैं अल्लाह तबारक व तआला जैसे चाहे उनके साथ कर सकता है और ये दो बातें हमारे साथ हैं इसी तरह कुछ बातें हमारे साथ हैं कि कितने लोग हमारे जन्नत में दाखिल होंगे कितने लोग जन्नत में दाखिल होंगे तो बड़ी बड़ी हदीसें इस सिलसिले में बताई गई मुख्तसर मैं आपको ये बताना चाहता हूं अल्लाह के नबी सा फरमाया ती एक सौ 120 रो में खड़े होंगे सफ में 120 सफ होंगे जिसमें से 80 सफे उम्मत मुहम्मदिया की होंगी और 40 सफे दूसरी उम्मतों की होंगी मुसाई सलाम की उम्मत सलाम की उम्मत और दूसरी उम्मतों की तो मालूम यह हुआ कि बहुत बड़ी तादाद उम्मत मुसलमा की ऐसी होगी जो जन्नत में जाएगी और इसी तरह एक और बात हम आपको बता दें कि जन्नत के बूढ़े लोग कौन हैं उधेड़ उमर के लोग कौन है तो कहा अबू बकर और उमर ये जन्नत के उधेड़ उमर के लोग हैं शबाब उदाबी जन्न हसन और ये जन्नत के शबाब हैं जन्नत के और इसी तरह जन्नत में बहुत सारी औरतें दाखिल होंगी अल्लाह त हर नेक औरत को जन्नत में दाखिला फरमाए और अब दुआ करने का वक्त है कि आप अपनी बीवी के लिए अपनी बहन के लिए अपनी माँ के लिए दुआ करें जिन्होंने महीना भर आपको वक्त पर शहरी खिलाया इफ्तार खिलाया उठाया इसके लिए आप दुआ नहीं करेंगे आपको दुआ करना पड़ेगा उनके लिए दुआ करनी पड़ेगी कि अल्लाह ताला उनको अच्छी सेहत दे अल्लाह ताला उन्हें जन्नत दे और अल्लाह ताला दुनिया की नियमती उन्हें अता फरमाए इसलिए कि उन्होंने इतनी मेहनत की है कि आपने नहीं की हम तो बस दस्तरखान पर आते रहे बैठते रहे खाते रहे लेकिन इन औरतों ने पकाया मेहनतें की रमजान भर खिदमत की तो इनके लिए आपको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताली उनको अजर दे तो जब कल ये जन्नत में जाएंगी तो जन्नत में बहुत सारी औरतें होंगी और आपको हमें बता दें शायद हम इससे पहले कि हमारा वक्त खत्म हो जाए और हम भूल जाए कि औरत आखिरी जिस शोहर के साथ उसका इंतकाल होता है जन्नत में वही शोहर उसे दिया जाता है अबूदरदा अबू अबूदरदा साहबी हैं उमरदा उनकी बीवी हैं उमदरदा रजियाल्ला के यानी अबूदरदा के इंतकाल के बाद माविया बिन अबू सुफियान ने उम्म दरदा को शादी का पैगाम भेजा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। बड़ी नेक खातून थी तो उम्म दरदार ने इनकार कर दिया बोला कि नहीं मैंने हदीस में सुना है कि औरत जिसकी जोजियत में रहकर या बेवगी में रहकर इंतकाल करती है कल क़ियामत में अल्लाह ताली उसी शोहर को उसे देते हैं तो मैं नहीं चाहती कि मैं किसी और मर्द से शादी करूं और अब से माहरूम हो जाऊं तो ये औरतें जो जन्नत में जाएंगी तो जन्नत में जाने के बाद जन्नत की जो औरतें हैं उनकी सरदार कौन है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसनत की हदीस से कहा अब जन्न जन्नत की औरतों में सबसे बड़ी सरदार जो औरतें हैं कहा वो कौन है खतीजह बिनते एक अमीन खतीजा रजील दूसरी फातिमा बिनते मोहम्मद और फिर मरियम और उसके बाद कहा आसिया बिनते मुजाहिम ये चार औरतें हैं जो जन्नत के औरतों की सरदार हैं जन्नत के औरतों के सरदार हैं जैसे कहा गया फातिमा कह, कहा कि बाद मरियम बिनतेमरान फातिमा खतीजा आसिया ये औरतें हैं जो जन्नत के औरतों के सरदार हैं तो हम अपनी औरतों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे आफियत दे ताकत दे उन, उनकी बीमारियों में इन्हें शफा दे आपका फर्ज बनता है कि उन नेक खीन के लिए दुआ करें जिन्होंने महना भर आपके लिए मेहनत की और सही वक्त पर आपको ये सारी चीज़ें मुहैया की चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि जन्नत जन्नत की बशारत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे सहाबा को दी अशर मुबशरा हैं जिनके बारे में आप जानते हैं अबू बकर फिल जन्ना उमर उन फिल जन्ना फिलजन्ना वाली फिल जन्ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेकर कहा कि अबू बकर जन्नत जन्न में है उमर जन्नत में है उस्मान जन्नत में है अली जन्नत में है व फिल जन्ना व ज़ुबैर फिल जन्ना व अब्दरहम्मामानफ़न फिल जन्ना व इब्न वक्कास व सईद व अबू उबैदा यानी दस नाम साहब कराम ने के बताए अल्लाह के नबी सम ने उनको जन्नत की खुशखबरी सुना दी कि ये तारे के सारे जन्नती हैं इसलिए इनके नाम का ये आश्रे मुबसरा इसके अलावा बहुत सारे साहबा हैं जिनको बताया गया कि उनका नाम उनका नाम कहा कि वो भी जन्नती हैं अल्लाह के नबी सम ने कहा जैसे जाफर बिन नबी तालिब है जिनके बारे में कहा कि मैंने उनको देखा कि वो जन्नत में परों से उड़ रहे हैं उनके दो बाजू काट दिए गए थे जंग में कहा कि अल्लाह ने उनके दो पर पैदा किए हैं वो जन्नत में उड़ रहे हैं हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब ये जन्नत में हैं, जिनकी नाक कान काटे गए और इनको इनका, इनका इनको मुतला किया गया कहा कि हमजा भी जन्नत में हैं अल्लाह के नबी सा ने कहा और इसी तरह कहा अब्दुल्ला बिन सलाम के बारे में कहा

ये सारे लोग हैं जो जन्नती हैं इसी तरह बिन नौफिल हैं ये भी जन्नती हैं अशर मुबशरा के साथ साथ इनको भी जन्नत की बशारत दी गई और इनके बारे में कहा कि ये भी जन्नती हैं साथ साथ एक बात हम आपको बता दें गौर से इस बात को सुने जन्नत तुम्हारे और मेरे अमल के बदले में रिवार्ड में नहीं है जन्नत आपके और मेरे अमल की कीमत नहीं है जन्नत क्या है वो अल्लाह की रहमत है अल्लाह अपनी रहमत से दे देते हैं अल्लाह अपने फजल से दे देते हैं हमारी ये टूटी फूटी अमल की व दौलत नहीं है। हम तो अमल करते हैं लेकिन जन्नत जो मिलती है अल्लाह के नबी वसल्लम ने सही मुस्लिम की रिवायत है कहा लई मिनकुम तुम में से किसी का अमल उसको जन्नत में दाखिल नहीं करेगा कालू वाला अंतया रसूल अल्लाह साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल आप भी कहा इल्ला तगम्मद यानी अः तगम अगम व फकर अल्लाह ताला अपने और रहमत में मुझे ना ले ले तो मेरा भी यही हाल है तो हम ये जो छोटे मोटे काम करते हैं उसे नहीं कहें कि ओ मैं बहुत कर लिया हूं ना ऐसी बात नहीं ये अल्लाह ताला जो जन्नत हमको देते हैं वो अपने फजल और रहमत से देते हैं हमारे अमल के वद में अल्लाह तबारक ताला हमको नहीं देते हैं तो इसी तरह एक बात यहां ही बताई गई अल्लाह तबारक ताला ने ये बात कहा जजा क्या उस चीज के बदले में जो उन्होंने किया तो कहा कि ये जजा अमल क्या है एक सबब है एक सबब है लेकिन हमारा अमल के बदले में नहीं है कि जन्नत हमको मिल जाए लेकिन एक सबब है अल्लाह ताला सब्लाफीक देता है इसी तरह जन्नत की बहुत सारी नियमतें हैं आ, कि जन्नत में लोग आ, कितने बड़े होंगे तो कहा कि साठ गज लंबे होंगे और सारे जवान हो जाएंगे तीस पर तीन साल माशाल्लाह सारे के सारे तीस पर तीस साल उनकी उम्रें होंगी और अल्लाह तबारक जन्नत की बहुत सारी नियमतें लोगों को देंगे बड़ी तफसील हमारे साथ है और एक बात आखिर में हम ये भी बता दें कि जन्नत में जाने से पहले अल्लाह तबारक तआला एक ब्रिज खंतरा पर सारे लोगों को ठहरा करेंगे तो दुनिया में जैसे क्वारंटाइन होता है आखिरत में अल्लाह ताला वहां ब्रिज पर ठहरा देंगे और जन्नत में जाने वाले सारे लोगों की दिलों की सफाई कर देंगे किसी के दिल में किसी के खिलाफ बॉक्स हसत कीना कपट दुश्मनी नहीं होगी सारे दिल बिल्कुल साफ हो जाएंगे कैसा ना हो कि वहां जाकर भी ये शुरू नहीं कर दें वो ऐसा ये ऐसा 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 अल्लाह तबारक वाली सारों के दिल साफ कर देंगे इसको कहा खन तारा बिरछ पर सारे खड़ाए जाएंगे और अल्लाह तबारक वाली जन्नत की नियमतें हैं अल्लाह तबारक वाल जन्नत की नियमतों का बड़ा जिक्र किया है क्या क्या चीज़ें अल्लाह तबारक वाली देंगे पहला खाना क्या है तो कहा कि मछली के जिगर का जायद टुकड़ा अल्लाह तबारक वाल जन्नतियों को देंगे और बहुत सारी तफसील हमारे साथ है इन शह कभी सुनेंगे ये थी जन्नत जिसके बारे में हमने सुना इसको हासिल करने की कोशिश करें और ये हासिल होती है ईमान से अमल सालह से सब्र से तकवा से अल्लाह पर भरोसा से लोगों को खाने खिलाने से और नेकियों पर जमे रहने से कोशिश कीजिए अल्लाह ताला ने जो तौफीक हमने रमज़ान के महीने में नेक अमल किया उसको हम जारी वसारी रखें इसी के साथ साथ मैं आपसे आखिर में हमारे पास एक पंद्रह मिनट का वक्त है इसमें मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि रमजान से हमने जो सीखा है जो हासिल किया है उसको आप छोड़े ना अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक मिसाल जिक्र किया एक बूढ़ी औरत की मिसाल अल्लाह ताला ने कुरान में दिया कि वकून कल्लती नकदूवती था वो बूढ़ी औरत बड़ी मेहनत से धागा बनाती है पहले वो कपड़ा बनाने के लिए धागा बनाते थे तो कहा कि उसके बाद वो औरत वो धागे को तोड़ देती है बड़ी मेहनत से रमजान में हमने एक मिजाज बनाया वक्त पर नमाजें पढ़ने की पाबंदी डाल ली जबान पर सच्चाई को संवर दिया आंखों में इफत की दौलत हासिल की दिमाग गलत नहीं सोचता था और हम किसी के साथ बदसलूकी नहीं करते थे ऐसा ना हो कि रमज़ान होते ही फिर ये चीजें हमारी ज़िंदगियों में आ जाए ऐसा नहीं हो अल्लाह ने अभी तो बहुत मुश्किल है अभी तो लोग खतरे की घंटी गंट, घंटी बज रही है कौन कब चला जाए किस गली में किसकी शाम हो जाए किसी को नहीं पता अब तो हर एक का दिल अल्लाह से लगाने का टाइम है दुनिया से हम बहुत लगा चुके और इतने लाख तीन लाख चार लाख लोग अब तक जो इस बीमारी में दुनिया से जा चुके हैं वो आपसे बड़े करोड़पति थे हो सकता है आपसे बड़े मालदार थे लेकिन खाली हाथ दुनिया से गए लाखों की तादाद में तीन लाख चार लाख अब तक इस पूरी बीमारी में पूरी दुनिया से जो लोग गए तो इसलिए अल्लाह तबारक वाले से डरें और जो सबक हमने सीखा है रमजान से उस सबक को अपनाने की कोशिश करें खासकर मैं बच्चों से कहूंगा कि फजर की नमाज में हम उठ जाते थे फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ लेते थे अब फजर की नमाज की आदत डालें जमात के साथ पढ़ने की आदत डालें अल्लाह अल्लाह हर गिज ना छोड़ें और इस बात को मद्देनजर रखें मौत से किसको रुस्तगारी है आज वो तो कल हमारी बारी है कोई नहीं बच सकता है कौन कब जाएगा किसी को नहीं पता इसीलिए कहा कि तुम नमाज पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि आखिरी नमाज पढ़ रहे हो तो अलगर्स मेरे दोस्तों अजीजों मेरे इन बातों को अपने दिलो दिमाग में रखें इनशाला जब भी हम मौका मिलेगा इस जो जिस चैनल से एच के चैनल से हम हमारे दर्श हो रहे थे इसे सब्सक्राइब करें और हमारे दुरुस्त इस पर आपको मिलेंगे और ये एच डी डब्ल्यू सी एक इस्लामी इदारा है इस्लाही इदारा है जिसकी बहुत सारी खिदमतें हैं और ये सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा लगा हुआ है गरीबों की यतीमों की बेवाओं की बेकसों की खिदमत करता है तो इसके साथ आप बहुत सारा इल्म सीख सकते हैं जब भी इसके दुरुस्त हों आप अटेंड कीजिए और जल्दी हम आपको बताना चाहते थे कि अभी इन ईद का चांद हमको नज़र आ चुका है और कल हम इन ईद की नमाज़ पढ़ेंगे ईद की नमाज़ हर साल हम लोग ईद की नमाज़ ईदगाहों में पढ़ते थे और अब ईद की नमाज़ ईदगाह में पढ़ने का मौका नहीं है और बीमारी की वजह से हम घरों में पढ़ रहे हैं तो जैसे हर ईद के दिन हम नहाते हैं गसल करते हैं अच्छी तरह गसल कर लें लें अल्लाह ने अच्छे कपड़े दिए हैं घर में तो अच्छे कपड़े पहन लें और जैसे ही सनराइज़ यानी सूरज निकले सूरज निकलने का टाइम आपके मोबाइल में मिल जाता है हर जगह मालूम हो जाता है कि आपके इलाके में सूरज कब निकलता है उसके बाद से एक बीस मिनट का टाइम लगा लें या आधे घंटे का टाइम लगा लें उसके बाद नहा धोकर इतर लगाकर और फिर आप आ, खजूर खाएं जैसे अल्लाह के नबी वसल्लम की सुन्नत होती थी कि अल्लाह के नबी वसल्लम खजूर खाते थे यानी मतलब तीन खजूर कम से कम तीन खजूर आपको खाने हैं या कभी उससे ज्यादा अगर खा लेता है आदमी सात यानी आदमी खाए और उसके बाद जब पांच ऐसे भी खा सकता है और खजूर खाए और फिर ईद की नमाज के लिए आदमी तैयार हो जाए और ईद की नमाज फर्ज न है हर शख्स पर फर्ज है जो भी पढ़ सकता है और इस बात की ताकीद कर लें कि ईद की नमाज से पहले आपने सदक फितर अदा कर दिया है सदक फितर एक सा यानी जो चावल आप खाते हैं वो चावल आप अदा कर दिए हैं और सदक फितर आपका अदा हो गया है मतलब ढाई किलो दो किलो पांच सौ ग्राम या ज्यादा बढ़ाकर आप देते हैं तीन किलो अदा हो गया है और तो फिर आप नमाज की तैयारी करें और ईद की नमाज से पहले कोई सुन्नत नहीं है और ईद की नमाज की आप तैयारी करेंगे तैयारी क्या होती है आप ईद की नमाज के लिए खड़े हैं अपने सारे अहबाब के साथ घर वालों के साथ ऐसा ना हो कि आसपास के लोगों को जमा करें इस पर पाबंदी है तो इस पाबंदी का ख्याल रखें और खुद घर का बड़ा आदमी कोई भी आदमी आगे बढ़े आगे बढ़ के दो रकात जो फर्ज है सद ईद फितर की नमाज अल्लाह अकबर कहकर पहली तकबीर तहरीमा बांधता है तो तकबीर तहरीमा बांधने के बाद तकबीर तहरीमा के बाद यानी फर्स्ट तकबीर जो होती है हम लोग क्या करते हैं दुआ इस्तिफताह पढ़ते हैं जिसको आम जबान में हम सना कहते हैं तो आदमी चाहे तो उस वक्त पढ़ ले अगर नहीं है तो उसके बाद उसे सात तकबीरें कहनी हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर सात तकबीरों के बाद भी इस्फ़ा अल्लाबादबेबेन ख़त मबा तबेनमशीकमरब वो दुआ पढ़ सकता है उससे छोटी एक दुआ भी है अल्लाह वो छोटी एक दुआ भी है जो भी दुआ इस्तः आदमी पढ़ ले सकता है उसके बाद सूर फातहा पढ़ेगा उसके बाद अल्लाह के नबी नबीसम सूर आला सुर गाशिया सुर काफ हमेशा पढ़ा करते थे अगर किसी को याद है तो वो सुरह पढ़ ले अगर याद नहीं है पहली मरतबा अल्लाह अकबर कहकर हमने हाथ बांधा फिर सात मरतबा तकबीर कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर सात मरतबा फिर सूर फातिहा पढ़ा और उसके बाद हमने कोई एक सूरत पढ़ ली जो सूरत आपको याद है सूर फातिहा के बाद आप सूर्य अखिलास पढ़ सकते हैं खुल अल्लाह उसी को पढ़ लीजिए कोई हरत नहीं है उसके बाद हम रुको में जाते हैं फिर सजदे में फिर रुको और सजदे से उठे हैं फिर उठते वक्त एक तकबीर आप कहते हैं इसे तकबीर इंतकाली कहते हैं यानी सजदे से उठते हुए एक तकबीर उसका हिसाब नहीं उस तकबीर के बाद फिर आप पांच मरतबा तकबीर कहेंगे उसके बाद सूर्य फातहा पढ़ेंगे कोई और सूरत पढ़ेंगे अगर कोई और सूरत याद नहीं, एक ही सूरत याद है सूर्य अखलास उसी को रिपीट कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं सूर्य अखलास ही दोबारा पढ़ लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपकी दो रकात फिर रुकू सजदा दो रकात हो गए ईद की नमाज आपने पढ़ ली माशाल्लाह ईद की नमाज आपकी खत्म हो गई उसके बाद आप दुआ कर सकते हैं दुआ कर सकते हैं सारे घर वालों के लिए बच्चों के लिए सारे मुसलमानों के लिए सारे दुनिया के लोगों के लिए आप दुआ कीजिए लेकिन ईद की नमाज जब घर में पढ़ेंगे तो खुतबा नहीं, नहीं देंगे ईद का खुतबा नहीं देंगे सलाम फेरने के बाद आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला तारे घर वाले आपके साथ हैं बीवी बच्चे हैं माँ हैं बहने हैं आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए अब दुआ करने के बाद ईद की नमाज आपकी खत्म हो जाती है एक दूसरे को मुबारकबादी दे सकते हैं तख्बल अल्लाह उमिन निन कुम साल और जहाँ तक हो सके गली में निकल कर धड़लने से गले मिलने लपेटने की से परेज कीजिए यह कोई जरूरी चीज नहीं मुसाफा करना हाथ मिलाना लपट लेना ये मनखा करना ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं इससे बचने की कोशिश करें मौजूदा हालात में आम हालात में इसका कोई जवाब है नहीं तो अल्लाह के नबी वसल्लम जहां तक माऩे की बात आती है दूर दराज सफ़र से जब आते तो मुनख़ा होता था तो इस तरह की चीज़ें खासकर आजकल के हालात में इससे बचना चाहिए और हम सारे मुसलमानों के लिए हम दुआ करें और फिर इस बात की कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके इस तरह गले मिलने से भी हम परहेज़ करें और दीद का दिन ऐसा होता है जिस दिन आप उस आज से काम लें घर में आप अच्छा बना खाना बना सकते हैं और अच्छा खाते हैं और सदक़ा व खैरात करें नफली सदक़ा होगा ईद के बाद अगर आप करते हैं तो नफली सदक़ा होगा जो गुरबा और मसाकिन को देंगे और अगर, अगर अपने घर में रहकर फ़कीर दर पर आते हैं या अगर दरवाजे तक आप जा सकते हैं तो आदमी जाए इन चीज़ों का ख्याल रखें ये चंद बातें थी जो मुझे आपसे कहनी थी और आखिर में मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ करें हम आपके लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला रमजान की जो खैरत हैं बरक़ात हैं नमतें हैं अल्लाह ताला उससे हम सबको माल फरमाए और जो कुछ बातें हमने आपके सामने बयान की हैं अगर वो सही है फमिन अल्लाह तो वो अल्लाह की तरफ से है अल्लाह ने जो तोफी मुझे दी है उससे मैंने आपके सामने बयान की है अगर उसमें कोई खता हो गई कोई भूल चूक हो गई कोई कोई खता हो गई तो वो मुझसे और शैतान की तरफ से है अल्लाह तबारक वाली हमारी मुआफी फरमाए अल्लाह ताली जितने लोग हमारे साथ थे हमारे दरसों में थे अल्लाह ताली तमाम को अपने मुखरब बंदों में शामिल फरमाए अल्लाह तबारक वाली तमाम के गुनाहों को ख़ताओं को लफ्जिशों को माफ फरमाएं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो दर्स के शुरू में हमारे साथ थे लेकिन आज वो हमारे साथ नहीं हैं वो अपने खबरों में हैं अल्लाह तबारक व ताल उनके खबरों को नूर से मुनवर कर दे अल्लाह तबारक वाली उन्हें जन्नतफिरदौस में जगाता फरमा दे आप भी ज़रूर उन नेक बंदों के लिए दुआ करें जो दर्स जब हमारा शुरू हुआ तो वह हमारे साथ थे उन्होंने भी हमारी ही तरह दर्स सुना लेकिन आज वो हमारे साथ नहीं हैं अपने खबर में हैं अल्लाह ताला ने उनके लिए मेहमान नवाजी इन उनके लिए तैयार कर रखी है अल्लाह ताला उनकी ख़बरों को नूर से भर दे जन्नतुल फिरदौस में उन्हें जगाता फरमा दे उनकी मगफ़िरत फरमा दे अल्लाह उनके ख़ताओं को ग़लतियों को अल्लाह ताली माफ़ फरमा दे हम और आप दुनिया के सारे मुसलमानों के लिए दुआ करें खास कर वो लोग जो इस बीमारी में मुबतला हैं और वो मुसलमान जो परेशानियों में हैं अल्लाह ताला तमाम की परेशानियों को दूर फरमाए या अल्लाह तो हर चीज़ पर कादर है या अल्लाह मुसलमानों को बेनियास कर दे या अल्लाह मुसलमानों के झोलियों को भर दे या अल्लाह उन्हें सेहत दे आफियत दे या अल्लाह जो मुसलमान परेशान हैं गमगीन हैं या अल्लाह उनके गम को खुशियों से बदल दे इन अल्लाह मलायलबी यादी आमन सल वसली तसलीमा اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.